रूसी संसद के निचले सदन ड्यूमा के लिए हुए मतदान के सर्वेक्षणों में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को 53% मत हासिल हुए हैं। अंदेशा लगाया जा रहा है कि नतीजों से पुतिन का संसद के निचले सदन में प्रभुत्व बढ़ेगा। नतीजों में यूनाइटेड रशिया पार्टी को 54.3% मत हासिल हुए हैं, जिसमें 450 सदस्यों वाली संसद में उनकी कम से कम 338 सीटें पक्की हो गई हैं। तो वहीं LDPR और कम्युनिस्ट पार्टी पीछे चल रही है। यह पहला मौका है जब क्रीमिया में रूस ने संसदीय चुनाव करवाए हैं। इस चुनाव के जरिए ड्यूमा के लिए अगले 5 वर्ष के लिए 450 सांसदों को चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर निचले सदन का चुनाव ऐसे वक्त शुरू हुआ है जब हाल के कुछ वर्षों में रूस में कई तरह के बदलाव हुए हैं। क्रीमिया यूक्रेन से अलग होकर रूस का हिस्सा बन गया और पश्चिम के साथ रूस का टकराव बढ़ गया है। इन सब के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन की लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं आई है। 80% लोग आज भी पुतिन को अपना सबसे प्रिय नेता मानते हैं। अपने अगले कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पुतिन खड़े होंगे या नहीं, यह तो साफ नहीं है, लेकिन पुतिन की सहयोगी पार्टियां संसदीय चुनाव के नतीजों का इस्तेमाल 2018 के चुनाव प्रचार अभियान में जरूर करेंगी। देखते रहिए DB Live।